गुलाब यानी रोज एक ऐसा फूल है जो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, जो रेटिनॉल का रिचेस्ट सोर्स है, और एकमात्र ऐसा फूल जो आपकी एंटी एजिंग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम उस विषय की बात करेंगे जिससे हम सबको मोहब्बत है। हम सबको मोहब्बत है गुलाब से। चाहे जितने फूल आ जाएं, चाहे जो कुछ आ जाए, लेकिन गुलाब आज भी फूलों का राजा कहा जा सकता है। उसकी जो सुगंध होती है, उसकी जो महक होती है, उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। गुलाब एक ऐसा फूल है जो खूबसूरती में भी अव्वल है, सुगंध में भी अव्वल है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि न्यूट्रिएंट्स में भी अव्वल है। गुलाब में जो पोषण तत्व पाए जाते हैं वो किसी और फूल में नहीं पाए जाते हैं। आपको ताज्जुब होगा सुन के, आपको मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ। गुलाब, अगर आपको अपनी खूबसूरती बढ़ानी है तो आप गुलाब की शरण में आपको आना पड़ेगा, गुलाब को आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। गुलाब के तमाम तरह से इस्तेमाल आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, आपको बहुत खूबसूरत कर देंगे। इस खूबसूरती की वानगी मैं इस बात से आपको बताना चाहूँगा, जब क्लियोपेट्रा, जो कि इतिहास में सबसे सुंदर औरतों में से एक मानी जाती है, इजिप्ट की महारानी, जब मार्क एंटनी, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उनसे मिलने आया करते थे, तो उससे पहले क्लियोपेट्रा फूलों को बिछा देती थी पूरे घर पे, पूरे महल में। उनकी मंशा होती थी कि जब जब मार्क एंटनी को ये गुलाब की सुगंध याद आएगी तो उन्हें क्लियोपेट्रा की याद आएगी। जब क्लियोपेट्रा शिप से कहीं पर जाती थी, किसी देश में भ्रमण के लिए निकलती थी, तो उनका जो जहाज होता था, उसका जो सेल होता था, उसमें भी पूरा वो डूबा रहता था गुलाब के अर्क में। तो गुलाब की इतनी महत्ता है, कहीं ना कहीं यह उनकी एंटी एजिंग में सहायक रही होगी, क्योंकि माना जाता है क्लियोपेट्रा जीवन से लेकर मृत्यु तक एक जैसी बनी रही। कभी उनकी उम्र दराज स्थिति में वो नहीं आई, कभी झोटियाँ नहीं आई, कभी झाई नहीं आई, कभी किसी तरह की समस्या नहीं आई। तो हम आपको बताते हैं गुलाब के वह अनछुए पहलू, वो पहलू जो हमें आपको नहीं मालूमात में होंगे, लेकिन वो पहलू आपको खूबसूरती की मिसाल बना देंगे। मैं ऐसे पहलू आपको गुलाब के बताना चाहता हूँ। 35,000 साल पुराने इस फूल, जो गुलाब है, वो 35,000 साल पुराना फूल माना जाता है। 35,000 साल पहले से कार्बन डेटिंग के, फॉसिल ट्रैकिंग के द्वारा इसका होना पाया गया है। 165 वैरायटी से ज़्यादा गुलाब की मौजूद होती हैं, जिसमें सबसे अच्छी जो रोज़ माने जाते हैं वो डमास्क रोज़ माने जाते हैं। लेकिन अपने भारत में जो देसी गुलाब होता है उसकी भी मिसाल नहीं है, और शायद यही वैलेंटाइंस डे पर गुलाब देने का चलन नहीं है। कहीं ना कहीं जो इसके अंग्रेजों ने इसको सेट करा है, वो इसके स्वास्थ्य कारणों को लेके भी करा है। गुलाब साथियों, बताते हैं आपको इसके वो फायदे जो आपकी त्वचा के लिए वरदान साबित होंगे, आपकी त्वचा के लिए आपको रामबाण साबित होंगे। आपकी त्वचा में एंटी एजिंग, झाई, झुर्री, हाइड्रेशन, लूजनिंग, इरप्शंस, हर प्रकार की समस्या को खत्म कर देंगे। रोज यानी गुलाब साथियों, गुलाब सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में माना जाता है, सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक होता है। आप लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम बहुत सुनते होंगे, हम आपको बता दें होते क्या हैं एंटीऑक्सीडेंट साथियों। क्या होता है, जब हमारे दिमाग में फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स डिस्टर्बेंस करने वाली चीज़ होती है, जब यह फ्री रेडिकल जो है वह स्टेबलाइज होने के लिए, जो हमारे दिमाग में सिस्टम में हमारे शरीर के स्टेबल आयंस हैं उनको डिस्टर्ब करके उनसे आयंस को खींच लेते हैं, तो जो हमारा स्वस्थ सिस्टम है वो भी अस्वस्थ हो जाता है। तो फ्री रेडिकल्स को हमें ख़त्म करना होता है, और यहीं पे काम आता है गुलाब। गुलाब साथियों ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो माइंड में आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो आपको बेचैनी आपके लिए लाते हैं, उसको यह ख़त्म करता है और आपके दिमाग को स्वस्थ और बेहतर करता है। आपकी एंजाइटी को ख़त्म करता है। आप गुलाब के अर्क को, गुलाब के जल को, गुलाब के पानी को आप मुँह धो सकते हैं, आप उसे थोड़ा पी सकते हैं।
इससे आपके माइंड की जो बेचैनी है, एंजाइटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा साथियों, कमाल का फायदा, अब विंटर्स आ रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई होगी। गुलाब जो है आपकी स्किन का सबसे अच्छा हाइड्रेटर है, इमोलिएंट है। गुलाब एक ऐसा इमोलिएंट है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, उसमें पानी की जो मात्रा होती है, इम्बैलेंस होता है, उसको ठीक करता है, और आपका जो एक्सेसिव ऑयल होता है ऑयली स्किन में, उसको भी सिक्रीट करने से रोकता है। तो यह आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, और जब आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो आपकी स्किन तरोताजी रहेगी। तीसरा विषय आता है साथियों, आपकी स्किन में कोलाजेन फाइबर, एंटी एजिंग, रिंकल्स। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, विटामिन सी का वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है गुलाब। गुलाब का जो पॉड होता है, जो पंखड़ी के नीचे जिससे पंखड़ियाँ लगी होती हैं, वो जो रोज हिप होता है उसे कहते हैं, पॉड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर आपको अपने स्किन की रिंकल्स ख़त्म करनी है तो आपको विटामिन सी की आवश्यकता होगी, और विटामिन सी आपको मिलेगा उन रोज हिप से। तो अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं तो आप थोड़ा सा जो है पानी लीजिए, उसमें जो गुलाब की वो जो डंठल होता है जिसमें रोज हिप्स लगे होते हैं, जिससे वो पंखड़ियाँ लगी होती है, उसको आप बॉईल कर लीजिए 25-50, उनको डाल के मुफ्त में मिल जाएगी। उसका कोई पैसा भी आपको नहीं देना है, किसी दुकान जाएंगे, क्योंकि यूज़लेस चीज़ है, लोग फेंक देते हैं। उसको बॉईल कर लीजिए, उसका पानी आप चेहरे पे लगा लीजिए, आप देखेंगे एक झुर्री आपके नहीं बचेगी। आप इसको करके देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा, आपके चेहरे पे कोलाजेन फाइबर ठीक हो जाएगा, और जब कोलाजेन फाइबर प्रॉपरली बाइंड हो जाएगा तो आपके रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार यह एंटी एजिंग का काम करके आपको ठीक करेगा। साथियों, यह जो गुलाब है, यह आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, आपके चेहरे की सूजन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आँखों के नीचे जो आपके सूजन है, अगर आप इसके अर्क को लगा लेंगे तो यह ख़त्म हो जाएगी। गुलाब में विटामिन रेटिनॉल पाया जाता है, और रेटिनॉल जो है साथियों, वह आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके स्किन की सूजन को ख़त्म करता है। तो अगर आपके चेहरे पे सूजन है, स्किन लटक गई है, आँख के नीचे सूजन आ गई है, तो आप वही जो रोज हिप होता है जिससे गुलाब की पंखड़ी लगी होती है, डंठल होता है, उसको बॉईल कर लें पानी में 10-15 डंठल को, और उस पानी को आप चेहरे पे लगा लें, आपके चेहरे की सारी सूजन ख़त्म हो जाएगी। गुलाब का जो साथियों पीएच होता है, आपको जानकारी के लिए बताएं, जो इसका पीएच होता है, यह जो ह्यूमन स्किन होती है इसके बराबर का होता है। तो आपकी स्किन ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा अल्कलाइन है, आपका बॉडी दोनों को यह बैलेंस करके, सामान्य करके आपकी स्किन को बिल्कुल परफेक्ट कर देता है। इस तरह यह आपकी स्किन का पीएच बैलेंस करता है, और जब स्किन का आपका पीएच बैलेंस होगा तो आपकी एंटी एजिंग नहीं होगी, आपकी एजिंग नहीं होगी, आपकी एंटी एजिंग होगी, क्योंकि ना फिर आपके झुर्रियाँ पड़ेंगी, ना आपके झाई पड़ेंगी, और आपकी स्किन पूरी तरह से ग्लो करेगी। गुलाब जल का इस्तेमाल, या गुलाब के पानी का इस्तेमाल, या गुलाब को बॉईल करके जो अर्क बनता है उसका इस्तेमाल आपके मुहासे को ख़त्म करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिवली हो जाता है। जब आप उस पानी को जो आपने बॉईल करा है गुलाब के साथ पूरे डंठल समेत, उसके पानी को जब आप चेहरे पर लगाते हैं तो आपका चेहरे का स्किन का पीएच बैलेंस हो जाता है, और जब आपकी स्किन का पीएच बैलेंस हो जाएगा साथियों, तो फिर आपके कोई दाना नहीं निकलेगा, कोई मुहासा नहीं निकलेगा, और आप बिल्कुल अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। जो दाने हैं, स्कार हैं, पिगमेंटेशन है, वह सब खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन साथियों, जान ही रहे हैं कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, मान लीजिए हम आप डिप्रेशन में हैं, थोड़ा सा एक अच्छी महक गुलाब की आ जाती तो आपकी एरोमा थेरेपी हो जाती है, आपके माइंड को रिलैक्स मिल जाता है, और आपका डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। तो कोई बात जिसका इतना फ़ायदा हो तो इससे बड़ा फ़ायदा और क्या होगा। और मैं लखनऊ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ तो सीजन में 15 रुपये किलो गुलाब बिक जाता है, तो एक इतनी सस्ती चीज़ आपके पास है, मैं देसी गुलाब की बात कर रहा हूँ, आप इसका इस्तेमाल करिए। ये जितनी बातें आपको बताई हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस गुलाब लीजिए, उसको पानी में बॉईल कर लीजिए, ढक के आधा घंटा रख दीजिए, और उसके बाद आप उसके पानी का इस्तेमाल करिए। जो 8-10 आपको बताई गई है बातें, सब में काम आएगा, और आपकी एंटी एजिंग का बहुत अचूक नुस्खा होगा। आप इसको करें और 15 दिन में हमको बताएं आपकी स्किन चमकना शुरू हुई कि नहीं, कमेंट पोर्शन में लिख के। मन में कोई क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पे।
कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाए। अगर साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।